बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास इस बुक का फर्स्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें हम रोल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह। आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 18 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। आप इन पिक्चर्स को देखें, क्या आपको पता है कि ये लोग कौन हैं? नीचे हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन तस्वीर को देखें एंड शेयर देयर नेम्स, और इन किरदारों के नाम लिखें। क्या आप में से किसी को पता है कि ये लोग कौन हैं? अगर पता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। फर्स्ट पिक्चर जो है हमारे पास, ये है लियाकत अली खान की। सेकंड पिक्चर है हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिना की। लास्ट पिक्चर है हमारे पास अलामा मोहम्मद इकबाल की। क्या आप में से कोई बच्चे पहले से इन पिक्चर्स को जानते हैं? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जिना, इनको मादर मिल्लत भी कहा जाता है, ये हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की बहन हैं। अलामा मोहम्मद इकबाल, इनको शायर मशरक भी कहते हैं। नीचे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बानी कौन था? इसका आंसर मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, कायद आज़म वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बानी कौन थे? पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे रहनुमा की, गुड लीडर की क्वालिटीज़, खसूसियात शेयर करें। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3, कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह। प्री रीडिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, फर्स्ट क्वालिटी जो किसी लीडर में होनी चाहिए वो है नॉलेज, कि उसके पास इल्म हो। सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि उसको बातचीत करने की महारत आती हो, ताकि वो अपनी बात दूसरों तक और दूसरों की बात वो खुद समझ सके। थर्ड है हमारे पास पुरएतमाद होना, कॉन्फिडेंस। फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मसाइल को हल करने की महारत। फिफ्थ है ऑनेस्टी, दयानतदारी। लास्ट है एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मुतासिर करने की महारत। ये हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि गुड लीडर में हो सकती हैं। इसमें से कोई स्किप भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास यही हैं। पेज नंबर 18 पर हमने कुछ पिक्चर्स देखी, हमने उन पिक्चर्स के नेम लिखे हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने बात की अबाउट फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान के फाउंडर, पाकिस्तान के बानी कौन हैं, जो कि हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। और उसके अलावा हमने गुड लीडर की क्वालिटीज़ शेयर की। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 19।
जहाँ से हम रीडिंग हम चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह। आप ये पिक्चर देख सकते हैं राइट साइड पर, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की पिक्चर है। और पेज नंबर 18 पर जो ये मिड वाली पिक्चर है लेडी की, मोहतरमा फातिमा जना, ये इनकी छोटी बहन है। आए अब चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द कायदे आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरी फेवरेट पसंदीदा पर्सनैलिटी शख्सियत है। कायद आज़म द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं, फाउंडर बानी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के। हिज नेम वॉज़ मोहम्मद अली जना, उनका नाम मोहम्मद अली जना था। ही वॉज़ बॉर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुए ऑन दिसंबर 25th को 1876 में, वो कराची में 25th दिसंबर 1876 को पैदा हुए। बॉर्न पैदा होना। द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज़ अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नज़्म व ज़ब्त या उसूलों के पाबंद शख्स थे। द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज़ अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नज़्म व ज़ब्त या उसूलों के पाबंद शख्स थे। ही वॉज़ ऑनेस्ट, वो दयानतदार थे। एंड पंचुअल, और वक्त के पाबंद। इन एवरीडे लाइफ, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो दयानतदार और वक्त के पाबंद थे। ही कम्प्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन, उन्होंने मुकम्मल की हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी आला तालीम, अर्ली एजुकेशन आला तालीम। इन कराची, कराची में। ही कम्प्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची, उन्होंने अपनी आला तालीम कराची में कम्प्लीट की, मुकम्मल की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर वो बरतानिया चले गए, इंग्लैंड बरतानिया, वेंट चले गए फॉर हायर एजुकेशन, सॉरी अर्ली एजुकेशन हमारे पास इब्तदाई तालीम है, हायर एजुकेशन हमारे पास आला तालीम है। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, फिर वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। ही स्टडीड लॉ, वहाँ पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की। एंड गॉट अ डिग्री, और वहाँ से डिग्री हासिल की फ्रॉम लिंकन्स इन, लिंकन्स इन से वहाँ उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। हरी ही रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया वापस आए। एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू की अ लॉ प्रैक्टिस, कानून की मश्क करना। यहाँ पर फिर उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की एज अ लॉयर। द कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज द ओनली मुस्लिम लॉयर इन बॉम्बे इन दोज डेज, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वॉज द ओनली मुस्लिम लॉयर, वो वाहिद मुसलमान वकील थे इन बम्बई, बम्बई में, इन दोज डेज, उन दिनों में। ही जॉइंड, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906, उन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ही सपोर्टेड, उन्होंने हिमायत की, उन्होंने साथ दिया, सपोर्टेड हिमायत करना। ही सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत की। सून, जल्द ही। ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मायूस, जल्द ही वो मायूस हो गए विद हिंदू लीडर्स, हिंदू सरबराहों से। एंड ज्वाइंड, और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं इसको। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हिमायती थे, लेकिन वो मायूस हो गए हिंदू रहनुमाओं से, और उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। इंडियन नेशनल कांग्रेस
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये हमारे पास दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमारे पास दो सियासी जमाते हैं, जिसमें पहले क़ायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, फिर वो छोड़कर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अख्तियार की। ये पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले की बात है, तब बरे सगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे, ये हिंदुओं की जमात थी, ये मुसलमानों की सियासी जमात थी। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। वेयर डिड द कायद आज़म गो फॉर हायर एजुकेशन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए कहाँ पर गए? इसका आंसर मैं आपको ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट का है, फिर इसके बाद सेकंड वाइल रीडिंग का क्वेश्चन भी है हमारे पास। कायद आज़म went to England for higher education. क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए बरतानिया गए। ये हमारे पास फर्स्ट वाइल रीडिंग क्वेश्चन था। वाइल रीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ाई के दौरान हमारे पास आते हैं और हमने पढ़ाई के दौरान ही उनका जवाब देना होता है। ये हमारे पास फर्स्ट वाइल रीडिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन डिड द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा है लास्ट लाइन में। इसका आंसर मैंने आपके लिए ऊपर लिख दिया है। कायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 1913 में शमूलियत इख्तियार की। ये भी हम पढ़ के आए हैं नीचे। अब हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने तरतीब दी द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की को तरतीब दी। ही मेड द वर्ल्ड रियलाइज, उन्होंने दुनिया को ये एहसास दिलाया, रियलाइज एहसास दिलाना, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू डिफरेंट नेशंस, कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग अकवाम हैं, नेशंस कौमें या अकवाम। उन्होंने दुनिया को क्या एहसास दिलाया कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये दो अलग अलग कौमें हैं। देयर रिलीजन्स, उनके मजहब एंड कस्टम्स और उनके रिवाज, कस्टम्स रिवाज, रिलीजन मजहब, उनके मजहब और रिवाज वर डिफरेंट, अलग थे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। उन्होंने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, उनके मजाहिब और उनके रिवाजात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऑन मार्च 23, 1940 में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, चेयर्ड सरबराही की, अ मीटिंग एक मीटिंग की ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 में। 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मीटिंग की सरबराही की। द मीटिंग डिमांडेड अ सेपरेट, मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में डिमांड, उन्होंने मुतालबा किया, कायदे आज़म ने मुतालबा किया अ सेपरेट, एक अलग। होमलैंड, मुल्क, सरजमीन जहाँ पर लोग रहते हैं, फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म ने एक मीटिंग अरेंज की जिसकी उन्होंने सरबराही की, और उसमें उन्होंने क्या मुतालबा किया? उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क दिया जाए। किन मुसलमानों के लिए? बरे सगीर के मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन अगस्त 14, 1947। फिर 1940 की बात की गई है पहले, फिर 7 साल बाद 1947 में ऑन अगस्त 14 पाकिस्तान वजूद में आया। ही वॉन्टेड, कायद आज़म चाहते थे टू सी द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कहते हैं अकलियत को। ही वॉन्टेड टू सी द माइनॉरिटी सेफ एंड सिक्योर इन पाकिस्तान, वो अकलियतों को पाकिस्तान में महफूज देखना चाहते थे।
माइनॉरिटीज़ कौन से लोग हैं? माइनॉरिटीज़ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे मुस्लिम कंट्री में जिनके मज़ाहिब, जिनकी ज़ुबान, जिनके रिवाजात हमसे अलग हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे मुल्क में रहते हैं, इसलिए उनको बराबर के हुकूक मिलना उनका फ़र्ज़ है। और क़ायदे आज़म भी ऐसा ही चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ को महफूज रखा जाए। क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क़ायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ही डाइड ऑन सितंबर 11, 1948। उन्होंने सितंबर 11, 1948 में वफात पाई। हिज टॉम्ब, उनका मकबरा इज़ इन कराची, उनका मकबरा कराची में है। ही लिव्स इन द हर्ट्स ऑफ द नेशन, वो हर्ट्स दिलो लिप्स रहना, वो नेशन मुल्क, वो मुल्क के लोगों के दिलों में रहते हैं, क्योंकि वो हमारे बानी हैं, इसलिए हम सबको उनसे मोहब्बत है। ये हमारे पास चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर एंड होता है। क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जना, ये बेसिकली हमारे पास एक रोल मॉडल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन में, पाकिस्तान के बनने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है, और ये हमारे बानी पाकिस्तान हैं। अगर कुछ बच्चों ने अभी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।